that it guarantees to any section any section of the citizens please try and highlight these words which i am highlighting or the underline or underlining because by this way aapke liye easier ho jayega key notes ko yaad rakhte hue is section ke is article ke provisions प्रोविजन में जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको याद रखना इसलिए please, प्लीज ट्राई करिए कि इन सारे वर्ड्स को आप हाईलाइट कर लीजिए रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग ए डिस्टिंग लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर सो व्हाट इज द की वर्ड और वॉट आर द की वर्ड्स अंडर आर्टिकल ट्वेंटी नाइन यू कैन सी क्लियरली ओवर यर सबसे पहले लैंग्वेज दूसरा स्क्रिप्ट और थर्ड इज कल्चर ये तीनों ही वर्ड्स अगर आप याद रखते हैं तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया रहेगा कि आर्टिकल ट्वेंटी नाइन क्या कंटेन करता है और आपके लिए इसे इलास्ट्रेट करना बहुत ईजी हो जाएगा of its own plus right to conserve the same yani ki kisi bhi section of citizen ko ye right guarantee karta hai ye article ki wo basically किसी जो किसी भी India के part में reside करते हों और जिनकी अलग अलग भाषा अलग अलग scripts या अलग अलग cultures हों वो अपने कल, इन सब, इन तीनों ही चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं साथ ही साथ वो इन तीनों को कंजर्व कर सकते हैं यानी कि दे कैन हैव देयर ओन राइट्स ऑफ हैविंग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड डिफरेंट कल्चर प्लस साथ ही साथ ना कि सिर्फ होना ही काफी है बल्कि उसको कंजर्व करने का भी राइट गारंटी करता है आर्टिकल ट्वेंटी नाइन सो प्लीज रिमेम्बर दिस कि आर्टिकल ट्वेंटी नाइन टू फोल्ड है इन नेचर क्या है सबसे पहला तो वो राइट गारंटी करता है कि इंडिया में रहते हो किसी भी क्लास ऑफ सिटीजन को ये राइट है कि उसकी अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और डिस्टिंक्ट कल्चर हो सकते हैं और साथ ही साथ वो उसके पास ये भी राइट है कि वो अपनी इन तीनों चीजों को कंजर्व भी कर सकते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी कैन प्रिजर्व इट्स लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर बाय एन थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं वो अपने लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर को यूजुअली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मदद से प्रिजर्व करती हैं या कंजर्व करती हैं सो एज फार एज आई लिटरेचर्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई अ नोट और आई हैव ट्राइड टू मेड अ नोट कि वहां के उस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर ये कहा गया है कि जो राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन की बात हुई है इंस्टीट्यूशन मीन्स एजुकेशनल टू द राइट टू प्रिजर्व इट्स डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर यानी कि अपने डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए उनसे रिलेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश या मेन्टेन करना इज अ

कि ये दोनों ही आर्टिकल्स जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड आर्टिकल थर्टी ये दोनों अलग अलग सेपरेट राइट्स क्रिएट करते हैं और इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं पर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों राइट्स किसी एक गिवन केस के अंदर दोनों मिले यानी कि दोनों की दोनों की जिन दोनों का नेचर हो कॉम्पलीमेंट्री इन नेचर हो बट ऐसा जरूरी नहीं है इट माइट हैपन इट माइट नॉट हैपन सो प्लीज फॉर फॉर द टाइम बींगली हाईलाइट दिस पर्टिकुलर नोट और दिस सेक्शन ऑफ द एरिया बट लेटर ऑन वी विल क्लरिफाइ दिस पर्टिकुलर नोट विच आई है आर्टिकल थर्टी का जो क्लॉज वन है वो ये कहता है दट ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज यानी कि यहाँ पर जिन माइनॉरिटीज की बात हो रही है माइनॉरिटीज खाली रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक हो सकती हैं। सो प्लीज रिमेम्बर यहाँ पर दो तरह की माइनॉरिटीज की बात हो रही है आपके कॉम्पिटिटिव फॉर्म कर सकता है कि आर्टिकल 30 के अंदर कितने तरह की माइनॉरिटीज की बात की गई है वन टू थ्री फोर और सो यू विल दैट दो तरह की माइनॉरिटीज की बात की गई है दे शैल द राइट टू establish and administer educational institutions of their choice so this is the saying of clause 1 of article 30 let's see what does clause 2 of article 30 says it basically prohibits the state in granting aid to educational institutions on the ground that it is under the management of a minority वो माइनॉरिटी किस-किस बेसिस पे हो सकती है थर्टी तो का क्लॉज टू है ये स्टेट को किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करने से प्रोहिबिट कर रहा है इन वॉट मैटर्स इन द मैटर्स ऑफ ग्रांटिंग एड यानी कि स्टेट किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपनी एड फाइनेंशियल एड या किसी भी तरह की मदद देने से सिर्फ इसलिए नहीं मना कर सकता है कि वो किसी माइनॉरिटी के मैनेजमेंट के अंदर है सो प्लीज रिमेम्बर दिस इज अ प्रोहिबिटरी क्लॉज एंड यहां पर स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन करने से प्रोहिबिट किया गया है सो काइंडली राइट ओवर डिस्क्रिमिनेशन ओवर हियर सो दैट यू यूल हैव अ क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट डिस्क्रिमिनेशन so, स्टेट नहीं कर सकता है ऑन द ग्राउंड सेट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी और माइनॉरिटीज अगेन या तो रिलीजियस या तो लिंग्विस्टिक अब हम बात करते हैं आर्टिकल ट्वेंटी नाइन और थर्टी के स्कोप की यानी वो किन किन लोगों पर एप्लीकेबल है और किन किन लोगों पर एप्लीकेबल नहीं है सो so, आर्टिकल ट्वेंटी नाइन अप्लाइज ओनली टू सिटीजन सो प्लीज रिमेम्बर कि आर्टिकल 29 सिर्फ और सिर्फ सिटीजेंस पे एप्लीकेबल है पर आर्टिकल 30 अप्लाइज टू बोथ सिटीजेंस एज वेल एज नॉन तो आर्टिकल 30 सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पे ही एप्लीकेबल है इज अ वेरी फेमस केस इन दिस रिगार्ड इन द रिगार्ड ऑफ आर्टिकल 29 एंड 30 लेट्स सी दैट केस दैट केस इज इन द नेम ऑफ एस पी मित्तल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया अब ये जो केस था वो 1983 का केस है इस केस के अंदर जो सोसाइटी फॉर्म की गई थी एक सोसाइटी थी उस बेसिकली सोसाइटी ने एक एक्ट एग्जिस्टेंस uh, में लाया गया और इमरजेंसी प्रोविजंस एक्ट ऑफ द ईयर 1980 उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया सेइंग दैट इट वाज वायलेटिव ऑफ इट्स राइट अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन

और इट बेसिकली जो श्री और थे उनकी आइडियल्स उनकी टीचिंग्स को प्रीच और प्रोपोगेट करने के लिए बनाए गए थे और उनके कई सारे सेंटर्स थे इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी एंड कॉन्सिक्वेंटली वॉट हैपेन्ड एक इंटरनेशनल कल्चरल टाउनशिप और बनाया गया पौडिचेरी में और वहां पर सोसाइटी के द्वारा काफी बड़ा अमाउंट ऑफ मनी रिसीव किया गया यानी जो सोसाइटी के मेंबर्स थे उन्होंने डोनेट किया चैरिटी की वट एवर बी द मैटर वॉज बट इट इट हैपेंड कि वहां की सोसाइटी जो कल्चरल टाउनशिप थी उसने काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी का रिसीव किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ औरविलो आश्रम जो ऑरविले आश्रम थे उनके डेवलपमेंट के लिए जो अमाउंट रिसीव किया गया इनकी डेवलपमेंट के लिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट

यानी कि वो पहले जो सोसाइटी मेंबर्स या आश्रम के जो मेंबर्स थे उनके पास वो जो राइट right हुआ करता था या उसके मैनेजमेंट का जो राइट right था वो अब जला गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो ये कहा गया कि ये जो एक्ट था बेसिकली द कोर्ट हैज सेड दैट दिस एक्ट वाज नॉट एट टॉल वायलेटिव ऑफ द राइट्स ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स टू कंजर्व देर राइट्स Now you'll ask me a question that what was the need of of enacting such kind of impugned legislation or the contended impugned legislation? The reason was the उस सोसाइटी के अंदर जितना भी मैनेजमेंट हो रहा था यानी वहां के जितने भी अफेयर्स थे उन सब के मैटर्स से रिलेटेड कुछ मिसमैनेजमेंट की कंप्लेन्स गवर्नमेंट ने रिसीव की एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच complaints

उस इंस्टीट्यूशन को या उस सोसाइटी को एक रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाना जरूरी है एंड दैट वाज नॉट द केस इन द इन द गिवन केस इस वजह से वो पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को ये कहा गया कि जिस लेजिस्लेशन के थ्रू ऑरोविलो सोसाइटी के मैनेजमेंट का टेक ओवर किया गया बाय द गवर्नमेंट दैट वाज नॉट एट ऑल वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द सोल so कि किए बिना you seek under those अब हमने जब आर्टिकल फिफ्टीन डील किया था तो आर्टिकल फिफ्टीन के टाइम पे आई हैोल्ड यू की रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल फिफ्टीन एंड आर्टिकल ट्वेंटी क्वेश्चन uh, ये था उस टाइम पर कि आर्टिकल फिफ्टीन के होते हुए आर्टिकल ट्वेंटी इनैक्ट करने की क्या जरूरत थी हमें सो द आंसर लाइज कि इन दोनों आर्टिकल्स में कुछ डिफरेंसेज है लेट बिटवीन बिज आर्टिकल्स एंड देन वी कैन कंक्लूड कि किस लिए ये नीड हुई कि आर्टिकल फिफ्टीन के भी होते हुए हमें आर्टिकल ट्वेंटी नाइन को इस कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देनी पड़ी लेट्स सी एज आईडी टॉट यू आर्टिकल फिफ्टीन in one of my video lectures so i'm not going to go in the details of article 15 again so i'm just illustrating the points of differences between article 15 and 29 so kindly go through these points the first point among them is that article 15 protects all citizens against the state whereas on the other hand article 29 extends against the state or anybody else who denies the right conferred by it Second point of difference protects Article Fifteen protects all citizens against discrimination generally. Please highlight this word generally. Or Article Twenty Nine provides a protection against a particular species of wrong. And what is this particular species of wrong? Basically, the denial of admission into educational institution. The third point of difference is Article Fifteen is quite general and wide in its terms and applies to all citizens whether majority or minority but what is in what is the case in, uh, with in regard to article 29 article 29 confers a special right to citizens for admission into educational institutions maintained or aided by the state so these are the points of differences between article 15 and article 29 or up i guess now that you have got the Of आपको यह भी पता चल गया होगा कि आर्टिकल फिफ्टीन के रहते हुए हमें आर्टिकल ट्वेंटी नाइन को इनैक्ट करने की नीड क्या थी बट वॉट इज द क्रूशियल पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस आर्टिकल ट्वेंटी नाइन क्लॉस टू इज दैट कि इसके अंदर जो एक राइट right प्रोवाइड किया गया है राइट टू एडमिशन इन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये राइट right बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल को एज अ सिटीजन दिया जाता है एंड नॉट एज मेंबर ऑफ द कम्युनिटी यानी ये किसी भी तरह के कम्युनिटी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता है ये सिटीजन राइट right को प्रोटेक्ट करता है सो प्लीज रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर नोट दिस इज वेरी क्रूशियल ये आपके किसी भी एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है और आपके किसी भी एंट्रेंस में भी एम के फॉर्म में पूछा जा सकता है

Uh, आप उसके बेसिस पे कंटेंड कर सकते हो बट आर्टिकल 29 का स्कोप बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड नेचर है लेट्स सी द अनदर इम्पॉर्टेंट केस इन दिस रिगार्ड दैट इज द केस ऑफ स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराई राजन द केस वॉज ऑफ यर 1951. आप साइटेशन यहाँ पर से कॉपी कर सकते हो इस केस के अंदर एक मद्रास गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया था उस ऑर्डर के थ्रू उन्होंने एक प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट फिक्स किया ऑफ ईच कम्युनिटी जिनको एडमिशन दिया जाएगा स्टेट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अब ये जो ऑर्डर गवर्नमेंट ने जारी किया इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया ऑन द ग्राउंड सेइंग दैट इट डिनाइड एडमिशन टू अ पर्सन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलिजन और कास्ट तो यहां पर रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे एडमिशन डिनाई किया गया और यही बेसिस बनाया गया इस कंटेंशन का इस केस का पिटिशनर्स को जो एडमिशन देने से मना किया गया था वो सिर्फ सिर्फ इसलिए मना किया गया था क्योंकि देवर बेसिकली ब्राह्मण्स और इसीलिए ये केस पिक्चर में आया सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ऑर्डर गवर्नमेंट ने जारी किया है मद्रास गवर्नमेंट ने दैट इज कम्पलीटली इनवेलिड फॉर बींग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी नाइन 2. टू सो प्लीज रिमेम्बर दिस केस लॉ दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल इन नेचर ये आपसे कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है विल डिस्कस और एनालाइज राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेसिकली आर्टिकल थर्टी आर्टिकल थर्टी का हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा है वही यहां पर रिपीट हो रहा है आर्टिकल थर्टी का फर्स्ट क्लास क्या कहता है कि सारे लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज के पास दो राइट्स हैं। पहला राइट टू स्टैब्लिश एंड दूसरा राइट टू एडमिनिस्टर

मैनेज अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस तो यहाँ पर दो तरह की माइनॉरिटीज की बात हुई है फर्स्ट इज द रिलीजियस एंड सेकेंड इज लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन यानी ऐसी कोई भी कम्युनिटी जिसे माइनॉरिटी कंसिडर कर दिया गया है ऑन द बेसिस की उनकी जो लैंग्वेज है दैट इज वेरी यू नो दैट ओनली फ्यू पीपल स्पीक सच लैंग्वेज और इस बेसिस पे उन्हें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कंसिडर किया जाता है अब हमने बात की यहाँ पर दो तरह के राइट्स की उसमें से पहला राइट right है राइट टू स्टैब्लिश अब ये जो राइट टू स्टैब्लिश है इसका क्या मतलब है यानी कि आप फ्री है कोई भी पर्सन जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को बिलोंग करता है दे आर फ्री टू ब्रिंग इन टू एक्सिस्टेंस एनी काइंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस एंड वॉट डू मीन बाई एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्टर दैट मीन्स दैट दे हैव ऑल द राइट्स टू इफेक्टिवली मैनेज एंड कंडक्ट दफेयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन न कि सिर्फ उसे स्टैब्लिश करने का राइट है उसके सारे मैनेजमेंट को भी देखने का राइट इन माइनॉरिटीज को प्रोवाइड किया गया है अंडर दिस आर्टिकल सो काइंडली हाईलाइट दी वर्ड विच आईव हाईलाइटेड और अंडरलाइंड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन एज यू कैन क्लियरली सी दैट अगेन आई हैव मेड अल गाइज इस नोट के अंदर बेसिकली मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो मैनेजमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन का जो राइट right प्रोवाइड किया गया है दैट शुड बी फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ कंट्रोल सो दैट एंड इज इट नीडेड सो दैट द फाउंडर्स ऑफ द कम्युनिटी कैन मोल्ड द इंस्टीट्यूशन एज दे फिट थिंक फिट इन अकॉर्डेंस विद देयर आइडियाज ऑफ हाउ द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी इन जनरल एंड द इंस्टीट्यूशन इन पर्टिकुलर विल बी सर्व यानी कि जो भी जिन फाउंडिंग फादर्स हैं उस कम्युनिटी के या उस इंस्टीट्यूशन के वो अगर उस उनके द्वारा इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी और तरह का कंट्रोल होगा उस सिचुएशन में शायद वो अपनी अपनी कम्युनिटी के लोगों के इंटरेस्ट के लिए या उस इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट के लिए उतने अच्छे से काम नहीं कर पाए इसीलिए उन्हें फ्री ऑफ कंट्रोल होना चाहिए उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए उन्हें सारे राइट्स होने चाहिए अपने एजुकेशनल uh, इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट को कंडक्ट uh, करने के और अकॉर्डिंगली वो ताकि वो अपने कम्युनिटी के लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उसको और जो इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट है उसको दोनों को ही सर्व कर सके अगेन द क्लॉज टू ऑफ आर्टिकल थर्टी डज इट से इट बेसिकली प्रोहिबिट्स दी स्टेट मैंने आपको बताया वो स्टेट को प्रोहिबिट करता है किसी भी तरह को डिस्क्रिमिनेशन करने से किस मैटर में कि वो जिस अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कोई ग्रांट कर रहे हैं किसी भी तरह की मदद दे रहे हैं तो वो उस बेसिस पे उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते कि वो इंस्टीट्यूशन एक रिलीजियस माइनॉरिटी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है दे विल दे केन नॉट डिस्क्रिमिनेट रिगार्डिंग दी मैटर्स ऑफ ग्रांटिंग दी एड टू टू सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो अगेन मैंने आपके लिए एक नोट वर पॉइंट यहाँ पर क्रिएट किया है दैट इज बेसिकली फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ दर नाइनटीन सेवेंटी एट अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है यहां पर पढ़ने की क्योंकि इसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया गया एंड कॉन्सिक्वेंटली वॉट हैपन आर्टिकल नाइनटीन वन एफ एंड आर्टिकल थर्टी वन वर ओमिटेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नाइनटीन वन एफ और आर्टिकल थर्टी वन के ओमिशन के साथ साथ आर्टिकल थर्टी के अंदर एक नया क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया एंड वॉट इज दैट क्लॉज वन कैपिटल ए वेज लेट सी देश लॉ प्रोवाइडिंग फॉर दिन एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाई अ माइनोरिटी एज पर क्लास वन यानि की यह कहना चाहता है कि अगर ऐसा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो किसी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक uh, माइनॉरिटी के द्वारा स्टेब्लिश या एडमिनिस्टर किया जा रहा है तो उस सिचुएशन में अगर कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है कि उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसकी अभी हमने बात की उसकी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी पे वो क्रिएट किया गया स्टेब्लिश किया गया है उसका एक्विजिशन इज कंपल्सरी तो उस सिचुएशन में व्हाट विल स्टेट डू व्हाट इज द ड्यूटी ऑन द स्टेट स्टेट के ऊपर ये ड्यूटी कास्ट की गई है दैट इट विल इंश्योर कि जो अमाउंट फिक्स किया जाए या डिटरमिन किया जाए उस लॉ के अंदर उस प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए वो ऐसा ना हो कि वो उनके इस फंडामेंटल राइट राइट टू स्टैब्लिश और एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को किसी भी तरीके से रेस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट करने की कोशिश करे यानी कि जो राइट right उन्हें जो उन्हें अमाउंट दिया जाना चाहिए जो कॉम्पन्सेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए दैट शुड बी जस्टिफाइड इन नेचर सो दैट वो आगे जाके किसी और जगह पे अपने उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दोबारा से बना करके वहां पर उसको एडमिनिस्टर कर पाए सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट दिस पर्टिकुलर नोट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्टिकल 30 के अंदर क्लॉज वन ए का इंसर्शन हुआ और उससे क्या इंश्योर किया गया सो प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर आइडिया अब आज के लेक्चर में जो हम सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल ट्वेंटी नाइन वन एंड आर्टिकल थर्टी वन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट केस रिगार्डिंग दिस पॉइंट इज द सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्स स्टेट ऑफ गुजरात अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि हाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज एनालाइज्ड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड आर्टिकल थर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर दिस केस इस केस के जो ब्रीफ फैक्ट्स है वो कुछ ऐसे है कि यहाँ पर एक गुजरात यूनिवर्सिटी एक्ट की बात हो रही है ऑफ द ईयर 1949 जिसको 1973 में अमेंड किया गया था इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस देर आर सर्टेन प्रोविजंस जिनकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था उस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा और वही एडमिनिस्ट्रेटर्स पिटिशनर्स का काम कर रहे थे यहाँ पर स्टेट के बिहाफ पे ये कंटेंड किया गया कि प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटी इज गारंटीड बाय आर्टिकल थर्टी वन यानी आर्टिकल थर्टी के अंदर जो माइनॉरिटीज के राइट प्रोटेक्ट किए गए हैं वो इस कॉलेज को अवेलेबल नहीं है बिकॉज इट वॉज नॉट फाउंडेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर जो कि आर्टिकल ट्वेंटी नाइन में एक प्री रिक्वेजेड है तो इनका कहने का मतलब है कि आर्टिकल ट्वेंटी नाइन और थर्टी जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही बताया था इस लेक्चर के कि यहां पर जो कंटेंशन अराइज हो रही है उससे ये एनालाइज आप कर सकते हो कि ये कहा जाने ये कहने की कोशिश की जा रही है कि आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी आर रिलेटेड टू इच अदर आर रिलेटेड टू इच अदर वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के हैं एक के लिए दूसरा होना जरूरी है पर ऐसा कुछ भी नहीं है वॉट इज द कंक्लूडिंग नोट ऑन दिस पर्टिकुलर लेक्चर और द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी इज दैट कि आर्टिकल ट्वेंटी नाइन और थर्टी दोनों ही सेपरेट राइट्स क्रिएट करते हैं और सेपरेट राइट्स क्यों क्रिएट करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया जो आर्टिकल ट्वेंटी नाइन है वो सिटीजन्स को राइट right गारंटी करता है बट वॉट आर्टिकल थर्टी डू ये आर्टिकल थर्टी बेसिकली माइनॉरिटीज के राइट right को गारंटी करता है और माइनॉरिटीज के किस राइट right को गारंटी करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड राइट को गारंटी करता है जो कि आर्टिकल ट्वेंटी नाइन का, का काम नहीं है ऐसा हो सकता है कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटीज ने बनाया हो अपनी लैंग्वेज अपना स्क्रिप्ट और अपना कल्चर प्रिजर्व करने के लिए वहां पर ये दोनों राइट मिलेंगे पर ऐसा हर केस में जरूरी नहीं है सो प्लीज रिमेम्बर कि ये दोनों ही आर्टिकल्स दो अलग अलग राइट्स को क्रिएट करते हैं और ये हाँ पर दूसरी जो बात है वो ये कि ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों राइट्स हमेशा अलग ही रहेंगे दे कैन मीट एट सर्टेन पॉइंट इन सम गिवन केस तो इसलिए आप ये भी कह सकते हो कि ये रिलेटेड भी हैं ये नहीं भी रिलेटेड हैं तो जो इनका रिलेशनशिप है आई होप कि वो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वॉट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल ट्वेंटी एंड थर्टी समटाइम्स दे एक्ट एज कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर बट नॉट Necessarily always. So please remember this concluding remark. With this, I would like to stop here. Thank you so much for being with me.